आज मैं आपके लिए रेस्टोरेंट जैसे फ्राइड और नॉन फ्राइड मसाला पापड़ की रेसिपी लेकर आई हूँ। जब आपको कुछ नया और अलग खाने का मन करे तब आप इसे 2 मिनट में बनाकर तैयार कर सकते हैं। ये मसाला पापड़ इतना ज़्यादा टेस्टी बनता है कि इसे बच्चे और बड़े सभी पसंद करेंगे। तो आइए इस टेस्टी मसाला पापड़ को बनाना शुरू करते हैं। हेलो फ्रेंड्स, कुक विद श्रीका में आपका बहुत बहुत स्वागत है। यहाँ पर मैंने 2 पापड़ लिए हैं। ये मैंने उड़द दाल और मूंग दाल मिक्स पापड़ लिए हैं। आप सिर्फ उड़द दाल के पापड़ ले सकते हैं। मैं यहाँ पर आपको फ्राइड और नॉन फ्राइड 2 तरह के पापड़ बनाकर दिखाऊंगी। सबसे पहले हम नॉन फ्राइड पापड़ बनाएंगे। इसके लिए तवे पर पापड़ को डालेंगे, गैस का फ्लेम लो टू मीडियम के बीच में रखेंगे और इसे इस तरह से प्रेस करते हुए सेकेंगे ताकि इसके कॉर्नर खड़े ना हो। आप इसे किसी कॉटन के रुमाल से भी दबाते हुए सेक सकते हैं। अब इसे पलट लेते हैं, दूसरी तरफ भी हम इसी तरह से दबाते हुए सेक लेंगे। देखिए, पापड़ सिक कर तैयार है। अब इसे निकाल लेते हैं। अभी ये सॉफ्ट लग रहा है लेकिन ठंडा होने के बाद ये क्रिस्पी हो जाएगा। अब हम फ्राइड पापड़ सेकेंगे। इसके लिए तवे को ऑयल से ग्रीस करेंगे, पापड़ को डालेंगे, इसे भी इसी तरह से दबाते हुए सेक लेंगे ताकि इसके कॉर्नर खड़े ना हो। अगर हम इसे दबाते हुए नहीं सेकेंगे तो इसके कॉर्नर खड़े हो जाएंगे, इससे कि ये मसाला पापड़ देखने में सुंदर नहीं लगेगा। मैंने यहाँ पर उड़द दाल और मूंग दाल मिक्स पापड़ लिया है। आपके पास छोटा या बड़ा जो भी पापड़ हो आप उसे मसाला पापड़ बनाने के लिए ले सकते हैं। इसके ऊपर थोड़ा सा ऑयल लगा देंगे ताकि ये दूसरी तरफ भी अच्छे से सिके। अब इसे हम पलट लेंगे, दूसरी तरफ भी इसी तरह दबाते हुए सेक लेंगे। देखिए, ये पापड़ सिक कर तैयार है। अब इसे निकाल लेते हैं। दोनों पापड़ अच्छे से ठंडे हो गए हैं। ठंडे होने के बाद ये काफ़ी क्रिस्पी हो गए हैं। अब हम इसके ऊपर गार्निशिंग करेंगे। इसके लिए बारीक कटा हुआ प्याज डालेंगे। अब इसे हम फ्राइड पापड़ में डालेंगे। ये मैंने बारीक कटा हुआ कुकम्बर लिया है, इसे डालेंगे। आप गार्निशिंग के लिए अपनी इच्छा अनुसार चीज़ घटा या बढ़ा सकते हैं, या फिर आप इसमें फ्रूट का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे कि बारीक कटा हुआ सेब या अनार के दाने। टमाटर को डालेंगे। टमाटर को हम बहुत ज़्यादा नहीं डालेंगे क्योंकि टमाटर पानी छोड़ता है, इससे पापड़ सॉफ्ट हो जाएगा। ये मैंने गाजर को ग्रेट करके लिया है, इसे डालेंगे। अब इसके ऊपर कुछ मसाले डालेंगे जिससे ये पापड़ और भी ज़्यादा टेस्टी लगेगा। पुदीने का पाउडर डालेंगे, इससे बहुत ही रिफ्रेशिंग टेस्ट आता है। आपके पास अगर हो तो इसे ज़रूर डालें। भुने हुए जीरे का पाउडर डालेंगे। लाल मिर्च का पाउडर डालेंगे। नमक डालेंगे। नमक थोड़ा देखकर ही डालें क्योंकि बाद में हम चाट मसाला यूज करेंगे। चाट मसाला डालेंगे। चाट मसाला का टेस्ट इसमें बहुत ही अच्छा आएगा। सभी मसालों को हमें लेना है लेकिन बहुत थोड़ी मात्रा में लेंगे ताकि सभी मसालों का फ्लेवर अच्छे से उभर कर आए। अब ये मैंने नमकीन भुजिया ली है, इसे डालेंगे। इससे ये पापड़ और भी ज़्यादा क्रंची लगेगा। आप इसकी जगह बारीक वाला सेव ले सकते हैं। ऊपर से बारीक कटा हुआ हरा धनिया डालेंगे। देखिए फ्रेंड्स, कुछ ही मिनट में फ्राइड और नॉन फ्राइड मसाला पापड़ बनकर तैयार है। आप इसे स्टार्टर के तौर पर सर्व कर सकते हैं या फिर ऐसे ही स्नैक्स के रूप में खा सकते हैं। अगर आपको मेरी ये वीडियो थोड़ी सी भी पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।